सब्सक्राइब कीजिए हमारे फिल्म टेक्सचर चैनल को और बेल आइकन को साथ में दबाना। हेलो गाइस, फिल्म टेक्सचर चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सैमसंग गैलेक्सी का जो नया फोन है उसका नाम है गाइस सैमसंग गैलेक्सी A72 5G स्मार्टफोन। तो इस स्मार्टफोन के बीच में हम फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे, ये फोन कब लॉन्च होगा, तो आज की इस वीडियो के बीच में इस फोन के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। तो आपको गाइस अगर फिर भी कुछ समझ नहीं लगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, लेकिन हम तो ऐसा आपको बोलने का मौका देंगे ही नहीं। तो उससे पहले गाइस एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे अलावा मैं आपके सामने कोई कंडीशन नहीं है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A72 के बारे में, 5G स्मार्टफोन के बारे में। तो गाइस मेरा नाम है नितिन, आप देख रहे हो हमारा चैनल फिल्म टेक्सचर। तो चलिए आज की इसी धमाका वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप जानते हो कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इस फोन के बीच में डिस्प्ले की। तो यहाँ पर आपको गाइस इस फोन की गाइस जो डिस्प्ले है बहुत ही स्मूथ मिलेगी, बहुत ही कलरफुल ग्राफिक के साथ आपको देखने को मिलेगी इसकी डिस्प्ले। तो इसकी जो डिस्प्ले है वो आपको कैसी साइज की देखने को मिलेगी, तो 6.7 इंचेस की आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और ये वाली डिस्प्ले फुल एमुलेट होने वाली है, मीन्स की पूरी हार्ड होने वाली है, प्रोटेक्शन बहुत ही बढ़िया आपको इसकी डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिलेगी। मीन्स की गाइस यार प्रैक्टिकल मैं बताऊँ तो फोन नीचे बढ़ाकर मारोगे तो आपका फोन टूटेगा नहीं, जोर से मारोगे तो टूट ही जाएगा, लेकिन ऐसे गलती से हल्का सा गिर जाता है ना तो टूटता नहीं है। ये ऐसी आपको इसके बीच में सुपर एमुलेट प्लस की डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं इसी डिस्प्ले के बीच में रेजोल्यूशन की। तो 1080x2400 पिक्सल के साथ आपको रेजोल्यूशन मिलेगी। मीन्स की गाइस रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो फोन की गाइस जो स्क्रीन की जो क्लैरिटी होती है और जो पिक्सल होते हैं, मीन्स की साफ साफ जो क्लियरनेस बहुत ही क्लियर तरीके से हमें एप्लीकेशन दिखती है, तो स्क्रीन के ऊपर हमें जो हम चलाते हैं वो हमें बहुत क्लियर दिखता है, मीन्स कि वो होते हैं इसके रेजोल्यूशन पिक्सल्स होते हैं इसके। तो अब बात करते हैं इसके एंड्रॉयड सिस्टम की। तो यार एंड्रॉयड सिस्टम बढ़िया मिलना चाहिए कि फ़ोन के बीच में फ़ोन को चलाने के लिए एंड्रॉयड सिस्टम बढ़िया होगा तो हमारा फ़ोन के वाइज बहुत ही कमाल का चलेगा। तो एंड्रॉयड सिस्टम 11 का देखने को One UI 3.0 का मिलेगा, तो बहुत ही कमाल का ये वाला एंड्रॉयड सिस्टम है। तो इस फ़ोन में मैं मेमोरी की बात करूँ तो माइक्रो SD कार्ड का आपको यहाँ पर देखने को मिलती है एक छोटी सी स्लॉट। और इंटरनल स्टोरेज की गाइस मैं बात करता हूँ तो एक मैं और भी बात बता देता हूँ, इसके बीच में आप ड्यूल सिम का गाइस आपको ऑप्शन मिलता है। तो ड्यूल सिम गाइस हर फोन में ड्यूल सिम मिलते हैं, लेकिन ड्यूल सिम का आपको ऑप्शन मिलता है और साथ में एक सिम और डालने का, तीन तीन सिम आप डाल सकते हो इस फोन के बीच में। तो ये फोन कब यार लॉन्च होगा इसके बारे में बताऊंगा। तो इंटरनल स्टोरेज की बात करते हैं तो 8GB रैम के बीच में आपको वेरी ओनली गाइस 8GB वेरिएंट के बीच में आपको देखने को मिलेगा रैम के बीच, और 120GB की आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी और 256GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। रैम आपको ओनली 8GB की देखने को मिलेगी इस फोन के बीच में। तो अब बात करते हैं इसकी बैक के रियर कैमरास की। यार वीडियो बनाने के लिए फोटो खींचने के लिए कैमरा तो यार हमें चाहिए होता है, तो अब यहाँ पर कैमरे की बात आ गई है। तो फर्स्ट वाला जो गाइस रियर का कैमरा है वो आपको देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल का, तो वाइड एंगल का कैमरा है तो बहुत ही कमाल का है। तो अब जो सेकंड वाला है वो है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा। तो यार नाम ही वैसे इतने बढ़िया बढ़िया है तो फोटो और वीडियो कितनी बढ़िया बनेगी सोचने वाली बात है। तो 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो का कैमरा देखने को मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ कैमरा देखने को मिलेगा। और साथ में फीचर्स की बात करूँ तो LED फ्लैश, प्रोनामा, HDR का ऑप्शन आपको साथ में देखने को मिलेगा। तो अब इसी गाइस जिस चार जो कैमरे आपको बैक की साइड में जो मिल रहे हैं तो इसके बीच में वीडियो आप कैसी बना सकते हो, तो 4K के बीच में वीडियो बनाओगे तो आपको 30 FPS के बीच में वीडियो बनेगी। तो अब बात आ गई है इसकी वीडियो की, तो वीडियो आप कैसी बना सकते हो इसी गाइस चार जो कैमरे आपको मिल रहे हैं इतने कमाल के वाइड एंगल के अल्ट्रा वाइड एंगल के, तो इसके बीच में गाइस आप वीडियो बना सकते हो 4K के बीच में 1080 पिक्सल के बीच में, 1080 पिक्सल के बीच में। और 4K के बीच में अगर बनाओगे तो 30 FPS के बीच में बना सकते हो, 1080 में बनाओगे तो 30 and 240 FPS के बीच में बना सकते हो, 960 FPS के बीच में Gyro IS का आपको ऑप्शन मिलेगा साथ में इसी कैमरे के बीच में वीडियो बनाने का। तो सेल्फी कैमरे की अब बात कर लेते हैं, तो सेल्फी कैमरा यार फोटो खींचने के लिए सेल्फी कैमरा आजकल बहुत ही ज़्यादा एडवांस ये वाला ऑप्शन चल रहा है,
तो आज के टाइम के बीच में सेल्फी तो हर बंदा लेता ही है, DSLR से हर बंदा फोटो खिंचवा नहीं सकता क्योंकि पैसे लगते हैं। इसके बीच में आजकल यार देखा जाए तो हमें जो पिक्सल होते हैं फोन के बीच में बढ़िया मिल जाता है, फोटो बहुत ही खतरनाक आ जाती है। और इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गई, या फिर और कोई गाइज आप एप्लीकेशन चलाते हो, चाहे यूट्यूब लगा लो यार, ठीक है, या व्हाट्सअप के ऊपर स्टेटस आपने डालना है, तो उसके लिए यार सेल्फी ज़्यादातर मायने आती है। अगर कोई दूसरा बंदा नहीं होगा ना आपकी फ़ोटो खींचने के लिए, तो आप खुद ही अपनी फ़ोटो सेल्फी कैमरे से खींच सकते हो। तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, वो भी वाइड एंगल का, और साथ में इसकी पिक्चर के बीच में आपको HDR का ऑप्शन मिलेगा, और वीडियो आप इसी फ्रंट कैमरे से आप बना सकते हो 4K के बीच में 30 FPS के बीच में। 1080 का पिक्सल भी आपको देखने को मिल रहा है, और साथ में 30 FPS के बीच में वीडियो बनाने का ऑप्शन मिलता है। और अब बात आ गई है गाइस नेक्स्ट जो है वो है इसका साउंड, कि यार जब हम सॉन्ग सुनते हैं, कोई म्यूजिक वाली चीज़ सुनते हैं, तो यार साउंड हमें अच्छा देखने को आना चाहिए, क्योंकि यार कई ऐसे स्पीकर होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं। अगर हमने बेस वाली कोई चीज़ लगा ली, अगर हमने बेस वाला कोई गाना लगा लिया, बेस बूस्टर, तो यार हमारा जो स्पीकर है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसके बीच में आपको 3.5 mm का जैक मिलेगा, लाउड स्पीकर का ऑप्शन मिलेगा, जितना मर्जी लाउड करो स्पीकर ख़राब नहीं होगा, ये सैमसंग गैलेक्सी की गारंटी है। तो यहाँ पर अब बात आ गई है गाइस जो नेक्स्ट है, इसके बीच में आपको गाइस बैटरी कैसी देखने को मिलेगी। तो अब गाइस बात आ गई है बैटरी की, तो यहाँ पर गाइस आपको इसी फोन के बीच में बैटरी देखने को मिलेगी, नॉन रिमूवल है ये वाली बैटरी, और ये बैटरी गाइस 6000 mAh की आपको देखने को मिलेगी। तो 6000 mAh की बैटरी को यार चार्ज करने के लिए आपको कितने वाट का चार्जर मिलेगा, आपको गाइस ज़्यादा नहीं मिलता, ओनली 30 वाट का, 30 वाट का गाइस चार्जर आपका फ़ोन कम से कम यार एक घंटे के बीच में चार्ज होगा, ये वाली जो 6000 mAh की बैटरी है। तो यार इतना कम बैटरी, ये चार्जर गाइस थोड़ा सा ज़्यादा मिलना चाहिए था। तो आपका क्या कहना है इसी चार्जर को लेकर। तो यहाँ पर गाइस अब कलर्स की बात आ गई है, नेक्स्ट हमारी है कलर्स। यार वीडियो के बीच में, वीडियो बनाने के लिए अगर सब कलर्स बढ़िया चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा मेन बात होती है यार फ़ोन का कलर चूज़ करना, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा बढ़िया बढ़िया उसके कलर्स हमारे सामने होते हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाते कि यार कौन सा कलर्स ले, कौन सा कलर वाला फ़ोन ले। तो यहाँ पर आपको गाइस कलर मिल जाते हैं ब्लैक, ब्लू, वाइट एंड वॉलेट। वॉलेट गाइस कौन सा गाइस कलर होता है आप मुझे बताना ज़रूर, ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, मुझे तो मालूम ही है, मैं आपसे पूछता हूँ ये वाला जो वॉलेट कलर है ना, वॉलेट कलर है ना ये वाला जो, तो आप गाइस मुझे बता देना कि वॉलेट कलर कौन सा होता है। तो आज आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, तो बाकी ये वाले कलर्स आपको मिलते हैं जो मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है। तो यहाँ पर गाइस अब बात आ गई है इसकी नेक्स्ट जो मेन बात है, इसके बीच में गाइस आपको प्राइस कितना देखने को मिलते हैं। तो अब गाइस प्राइस के हिसाब से यार मैं अब बता देता हूँ, क्योंकि यार जो पहली मेरी वीडियो थी ना उसमें मैंने प्राइस नहीं बताया, इसके बीच में अब प्राइस मैं कंफर्म करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो इसीलिए मैं फिर से यार मैंने सोचा कि यार एक वीडियो ना कमाल की एक और बनाते हैं, तो इसीलिए यार इसका मैंने प्राइस पहली वीडियो मैंने नहीं बताया, तो नहीं देखी आपने तो जाकर देख सकते हो। तो ये वाला फ़ोन गेमिंग के लिए भी गाइस बढ़िया है, तो गेमिंग का गाइस जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर तो गाइस मैंने आपको बताया नहीं गेमिंग का, इसके बीच में आपको कौन सा देखने को मिलता है तो यार वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी यार मैं भूल गया था। तो यहाँ गाइस आपको इस फ़ोन के बीच में जो प्रोसेसर है, तो गाइस प्रोसेसर इन्होंने यार अभी बताया नहीं है, मीन्स कि इन्होंने इतना कहा है कि यार आपको प्रोसेसर बढ़िया देखने को मिलेगा, मीन्स कि स्नैपड्रैगन का होगा, मीडियाटेक का आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी उनकी गाइस गारंटी है कि जो इसके बीच में प्रोसेसर आओगे 720 के ऊपर ही मिलेगा, वो भी स्नैपड्रैगन का। इन्होंने इतना कहा है कि यार हमें उम्मीद है कि यार 855 में हमें मिल जाए, वो भी इतनी रेंज के बीच में, रेंज भी आपको बता देता हूँ, तो 500 यूरो के बीच में आपको ये वाला देखने को मिलेगा। तो गाइस 500 यूरो, यार 500 यूरो का कितने पैसे हो गए, तो आप गाइस खुद सोच कर देखो कि इतने 500 यूरो के कितने हो गए, तो आप गाइस खुद कैलकुलेशन करके बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए है गाइस, आपको भी कुछ अब करना होगा, आप खुद गाइस कैलकुलेशन करो और नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई इसका प्राइस तो ये है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो गाइस ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे फेम्ड एक्स्ट्रा चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो वीडियो के बीच में सबसे ज़्यादा बढ़िया आपको क्या लगा आप मुझे नीचे बता देना। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए गाइस एक सब्सक्राइब करना तो बनता है, मेहनत करके वीडियो बनाते हैं आपसे प्यार पाने के लिए, अगर हम आपसे प्यार पाएंगे तो ऐसी वीडियोस हम और लेकर आएंगे वीडियोस, तो आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो काम तो हम बिल्कुल ही भाई कच्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपसे सब्सक्राइब हमने करवाया है, तो जल्द से जल्द गाइस सब्सक्राइब पर दबाव डालो। तो मिलता हूँ ऐसी कमाल की वीडियो के साथ, तो बाय बाय।